जय श्री राम। आप सभी को हनुमान के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज बाबा का जन्मदिन है। हमने मेरे पोता पोतिया ने बहू बेटिया ने सब ने मंदिर सजाया है और मैं आप भी सब बाबा के मंदिर को सजाओ और बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। जय श्री राम। जय बालाजी महाराज। ये है बालाजी महाराज के हनुमान जी के चरण और ये हमने बनाए हैं और यहाँ पर हमने थोड़ी सी डेकोरेशन की है यहाँ पर। और ये बालाजी की जो स्पेशल ज्योत हम आज के दिन जलाते हैं वो हमने आज यहाँ जलाई है। यहाँ पे ज्योत जलाने के बाद बालाजी महाराज की, ये श्री रामचंद्र जी हैं, आप देख सकते हैं उनके चरणों में सीधी ज्योत जली हुई है। ज्योत हमने यहाँ जलाई हुई लेकिन ज्योत उनके चरणों में भी जली हुई है, आप देख सकते हैं जैसा कि। और यहाँ से मैं अगर आपको ये व्यू दिखाती हूँ तो ये सिर्फ यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये श्री बालाजी महाराज के चरणों में सीधी ज्योत जली हुई है और इनकी पूजा स्पेशल की है आज हमने। उनको भोग लगाया है, दूध और जो पेठे की मिठाई होती है उसका भोग लगाया हमने यहाँ पर। और यहाँ पे और भी बाकी माता रानी का भी हमने श्रृंगार किया है और यहाँ और भी भगवान हैं। तो यहाँ पर हमारे माधव भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी स्पेशल आज इनकी ड्रेस जो है, आउटफिट है इनका, वो स्पेशल हमने बनाया है क्योंकि बालाजी महाराज का आज जन्मदिन है, हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हमने इनको भी आज तैयार किया है। यहाँ पे माता रानी को भी तैयार किया है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ शिव शंकर भगवान भी बैठे हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा फूलों से थोड़ी डेकोरेशन की है हमने यहाँ पर। और ये पूरा मंदिर का व्यू है और यहाँ पर सभी बच्चों ने मिलकर तैयारियाँ की है मंदिर को सजाने की। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चल रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में, बालाजी महाराज के मंदिर में। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रास्ते में हैं और यहाँ रास्ते में जाते हुए हैं और वहाँ पे बहुत रश था, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। जब हम निकले थे बहुत रश था हनुमान जी का। देखिए हम यहाँ पर अभी प्रसाद खरीदने की तैयारियाँ कर रहे हैं, कुछ प्रसाद लेंगे वहाँ पे चढ़ाने के लिए। तो अभी भैया हैं यहाँ पे, केले वाले भैया, फ्रूट्स वाले भैया हैं यहाँ पे, इनका ये सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो अभी हम वहाँ पे चलने की तैयारी करें, कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं उनके लिए। यहाँ पे पहुँच चुके हैं बालाजी मंदिर में, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इधर बाइक्स वगैरह खड़ी हुई हैं, यहाँ से लाइनिंग लगी हुई है पार्किंग की। और ये है हमारे फूल वाले भैया। जय श्री राम भैया, जय श्री राम दीदी। ये प्रसाद वाले भैया हैं आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रसाद वाले भैया। और यहाँ पे आपको जो बालाजी महाराज है उनको लड्डू का भोग बहुत पसंद है, तो यहाँ पे लड्डू, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, आपको मिठाई यहाँ पे मिल सकती है, बूंदी भी यहाँ पे मिलती है। लेकिन आज जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर लड्डू बनाए गए हैं, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि जिस तरह के श्रद्धालु यहाँ पर ले रहे हैं प्रसाद। अभी हम आपको यहाँ पे अलौकिक दर्शन भगवान के दिखाने वाले हैं, जो कि आप दर्शन, अगर आपके नसीब में होता तो आपको भी दर्शन होंगे। अगर इतनी भीड़ नहीं मिली मुझे आगे तो मैं आपको दर्शन कराऊंगी आगे जाके। Oh!
फिर हम दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं क्योंकि वो अपने 8 दिन से अरविंद शर्मा के बिना पे अपने करना का घोषणा करने जा रहे हैं। धन्यवाद जय बाबा की यहाँ बैठी सभी माताएं बहने और सभी भाइयों बहादुर बच्चे और भी पढ़ाएंगे। आज के लिए 5 लाख का डोनेशन है और मैं बड़ा अपने आप को तकदीर वाला समझता हूँ कि आज बाबा का आशीर्वाद मुझे भी मिला है। आप सबको प्रणाम। यहाँ पे मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ। श्री खाटू श्याम जी के दर्शन है। ये आगे पंडित जी हैं और पंडित जी के यहाँ पे खाटू श्याम जी का यहाँ पे दरबार लगा हुआ है और इस दरबार में आपको यहाँ पे भक्तजन मिलेंगे लाइन से लगाकर, यहाँ पे लाइन लगाकर मथा टेक कर जाते हैं और जो भी मनोकामना आप यहाँ मांगते हैं वो पूरी होती है। ये पंडित जी है। पंडित जी आप कितने टाइम से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? 5 वर्ष हो गए यहाँ पे पंडित जी को। तो यहाँ पे जो भी मनोकामना अगर मांगते हो पूरी होती है या नहीं होती है? ये माना जाता है कि यहाँ पर ये सिद्ध पीठ मंदिर है। जी बिल्कुल, 90% की हुई है। हाँ जी, सिद्ध पीठ मंदिर है। जय बाबा की। तो सिद्ध पीठ है, जो भी हम मनोकामना मांगेंगे तो यहाँ जरूर पूछते हैं। सबकी झोलियाँ यहाँ भरी जाती है ऐसा माना जाता है। ये सिद्ध पीठ जो मंदिर होते हैं ये सिद्ध डायरेक्टली बालाजी से, मैंने सुना है कि यहाँ पे डायरेक्ट बालाजी से जोत आई है वही जो यहाँ पे जागृत हुई हुई है ना। तो अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये महंत जी हैं जो जहाँ पर पूजा पाठ के लिए यहाँ पे आपको पंडित जी दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ सिद्धपीठ मंदिर है और सिद्धपीठ मंदिर में जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूर्ण होती है। तो यहाँ पर ऐसे श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालु अपनी मनोकामना को मांग कर यहाँ जाते हैं और जिस तरीके से अपनी मनोकामना मांगते हैं प्रसाद भी चढ़ाते हैं सभी लोग यहाँ पर। और ये प्रसाद जो यहाँ जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पर प्रसाद सवामणि के रूप में यहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी जिसने यहाँ पे ये हमारे जाने माने पंडित जी जो जिनसे हम हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम पंडित जी तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे महंत जी, आपको सभी को आशीर्वाद देते हुए। और महंत जी के पास जो लाइन लगती है लगती है यहाँ पे सभी को आशीर्वाद देते हैं, झाड़ा लगाते हैं सर में और सभी को आशीर्वाद देते हैं और सभी उनके कुछ लोग उनके पैर भी दबा के यहाँ पे सेवा करते हैं और आई दर्शन करते हैं महंत जी का दर्शन करने। इतनी भीड़ है आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में, इतनी भीड़ है कि श्रद्धालुओं का पूरा जमाड़ा लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं। सीताराम भगवान की महंत जी, सीताराम जय जय सीताराम। और यहाँ पे दर्शन करते हुए महंत जी के आपको दर्शन हो गए तो आप धन्य हो गए हो वहीं बैठे बैठे। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय बाबा की। जय बाबा की। बोल मेहंदीपुर धाम में की जय। भद्रगढ़ दरबार की जय। ये शासन सभी को आप ये श्रद्धालु आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी दर्शन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। सभी लोग दर्शन के लिए बैठे हुए हैं ना। किसी भी भाई के लिए उनके साथ में पहले एक बार बताएं आप सभी क्या हो गया। जय जय सीताराम। तो सभी के लिए महाराज की जय। तो देख सकते हैं आप भक्तों का कितना जमाड़ा यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर आपको दिखाई देगी जो भीड़ दिखाई दे रही है वो सिर्फ दर्शन के लिए है। सिर्फ यहाँ पे दर्शन के लिए आपको शनिदेव जी का मंदिर है आप देख सकते हैं। ये सिद्ध पीठ है। यहाँ पे हमने आपको सभी को यहाँ पे दर्शन कराए आपको आज बालाजी महाराज के और आशा करते हुए भगवान जन्मोत्सव है दर्शन कराए। यहाँ पे इतनी भीड़ है आज के दिन, इतने भंडारे लगे हुए हैं, इतने भीड़ इतने श्रद्धालु आए हुए हैं कि पूरा जो मंदिर है वो श्रद्धालु से भरा हुआ है और आप के अंदर कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा और ना ही ब्लॉग को एंड करने का मन कर रहा है मेरा। तो मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ सभी को ऐड करने की।
राम पे। अब प्राची कैंडल जला रही है और सारे बच्चे मिलके हनुमान जी का जन्मदिन मनाएंगे। और अब सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके हैं और केक भी कटिंग करेंगे। अभी बोल जय श्री राम। अभी यहाँ पे ये शुरुआत कर रहे हैं सभी। चलो बेटा सबसे पहले हमारे घर में इन्हीं को पूछा जाता है, पापा जी को, जो भी खाना निकलता है या फिर हम जो भी भोग निकालते हैं वो हम अपने पापा जी का पहले निकालते हैं, उसके बाद में ही गाय का भगवान का भोग निकलता है। तो यहाँ पे पापा जी को भोग लगा दिया है अभी। हम सभी को प्रसाद बढ़ चुका है और अगर आज का हमारा ये प्रोग आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना।